हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं निशा पारेख, एक बार फिर से आपके साथ। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड स्टार्ट हो गई है होना, और ये एक फ्यूचर का बिजनेस है जिसकी डिमांड बढ़ती ही जाने वाली है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सोलर फार्मिंग के बारे में, जानेंगे क्या होता है सोलर फार्मिंग। आज हर कोई बिजली के बिल से छुटकारा पाना चाहता है, तो इसका एक मात्र सोल्यूशन है, वो है सोलर एनर्जी। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि इस फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्या इन्वेस्टमेंट होता है और क्या स्कोप है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सोलर फार्मिंग होता क्या है। सोलर फार्मिंग का मतलब होता है किसी भी लैंड पे सोलर पैनल्स लगा करके या पीवी पैनल्स लगा करके सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। जी हाँ, जो नेचर ने हमें इतना अच्छा तोहफा दिया है उसका यूटिलाइजेशन करना। इससे कई सारे फायदे हमें हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि जो राइट नाउ इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज हैं उससे काफ़ी ज़्यादा चीप ये हमें पड़ता है, इसलिए लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग डिमांड में हैं कि ये चीज़ वो परचेज करें। आप अपने लोकल लेवल पे ये इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं, आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी ये सेल कर सकते हैं, उसी के साथ में आप गवर्नमेंट को भी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक फ्यूचर प्लान हमारे पास है कि फ्यूचर में हम इसके साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सोलर पावर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता है कि सोलर पावर नेचर के द्वारा दिया गया एक अजूबा है हमारे लिए, जो कि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो रहा है। अभी राइट नाउ जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, अभी राइट नाउ बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी एनर्जीज का प्रोडक्शन होता है, तो वो इन्वायरमेंट के लिए काफी पॉल्यूशनदायक साबित हो रहा है, यानी कि उससे काफी पॉल्यूशन प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन आज मैं बात करती हूँ सोलर पावर की, या सोलर एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। तो पहला पॉइंट है कि एनर्जी के लिए काफी अच्छा है, दूसरा पॉइंट है कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा है, तो ये काफी बेनिफिशियल हमारे लिए साबित हो सकता है। दूसरा, मैं बात करती हूँ कि राइट नाउ जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा रोल है, और हम देखें तो आगे वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जो आने वाला है, उसमें हर एक चीज इलेक्ट्रिक होने वाली है। मैं बात करूं आज व्हीकल्स की, मैं बात करूं कार की या बाइक की, जो पहले फ्यूल से चला करती थी वो भी अब इलेक्ट्रिक हो रही है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चीज की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है और आज हम इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि सोलर फार्मिंग हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपको पता है गाइस, सोलर पावर की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, और जैसे जैसे अवेयरनेस होती जा रही है, लोग और जो बड़ी कंपनीज है वो कन्वेंशनल पावर की जगह रिन्यूअल पावर पे आना चाह रही है, यानी सोलर पावर पे आना चाह रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो इसका कॉस्ट है वो काफी कम होता है कंपैरेटिवली जो अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो काफी कम है। तो जितनी भी कंपनीज है, या मैं बात करूं हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो काफी रफ्तार से इस ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड, मैं बात करूं तो इसकी मेंटेनेंस काफी कम है। अगर आप सोलर फार्मिंग शुरू करते हैं तो मेंटेनेंस काफी कम होगी। थर्ड, मैं बात करूं कि अगर आप इसका सेटअप लगाते हैं तो सेटअप लगाने के बाद में जो इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये कुछ पॉइंट्स है, और इसमें से सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार भी इस चीज को काफी प्रमोट कर रही है और स्कीम्स भी लॉन्च कर रही है, जिससे काफी बेनिफिट हमें साबित हो रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे सोलर फार्मिंग शुरू करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट आपको होती है। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक लैंड लेना पड़ता है, वो बंजर जमीन भी हो सकती है, आप उस जमीन को परचेज भी कर सकते हैं और चाहे तो लीज पे भी ले सकते हैं। और राइट नाउ अगर आपका खुद का जमीन है तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप उसको रेंटेड भी ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको जमीन लेनी जरूरी है, क्योंकि सोलर फार्मिंग है वो
जमीन पर ही होती है। अब मैं बात करूं कि आपके पास में जमीन है और वो उपजाऊ है, यानी कि आप वहाँ पे फसल उगाते हैं, वहाँ खेती करते हैं, तो अब क्या करना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, वहाँ पर भी आप फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं जो जमीन से काफी ऊपर होते हैं और आपके पैनल्स जो होते हैं वो उन स्ट्रक्चर पे सेट हो सकते हैं, वो लगवाने के बाद आप नीचे इजीली फार्मिंग कर सकते हैं और ऊपर आपके पैनल्स हो सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, अगर जमीन है, उपजाऊ है तो भी चलेगा, नहीं है तो खरीद सकते हैं, खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो लीज पे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो आप अपना फार्मिंग सेटअप करना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट सेट करना चाहते हैं, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट होता है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है वो क्या होता है लगभग। तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि जो हम फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, सोलर फार्मिंग हम शुरू करने वाले हैं, वो कितने मेगावाट से करने वाले हैं। इसके अंदर आप 1 मेगावाट भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको कॉस्टिंग बताने वाली हूँ वो 1 मेगावाट के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। तो अगर आप 1 मेगावाट के पैनल्स लगवाना चाहते हैं तो लगभग जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो 4 एकड़ ऑफ लैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक्टिव एरिया हो, आप किसी बंजर जमीन में या रूरल एरिया में भी इसको कर सकते, बट हमें ध्यान रखना है कि जो सब स्टेशन है उसकी रेंज से 5 किलोमीटर ही हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सब स्टेशन है और आपका जो पैनल सेंटर है उसका डिस्टेंस कितना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप रूरल एरिया में ले रहे हैं तो 1 एकड़ लैंड का मैं मान सकती हूं कि 3 से 4 लाख रुपए में आपकी रूरल एरिया में बंजर जमीन जो है उसकी कॉस्टिंग आपकी आ जाएगी। बाकी एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, एरिया के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग बिल्कुल अलग होती है। अगर मैं बात करूं रूरल की, तो इतने में आपका लगभग हो जाता है 4 एकर्स में लगभग 15 to 16 lakhs का आपका इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। सेकंड में बात करती हूं, इसमें ग्रिड कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो ग्रिड कनेक्टिविटी हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग होती है, मैं बात करूं महाराष्ट्र की तो वहां का इन्वेस्टमेंट जो है ग्रिड कनेक्टिविटी का वो 2 lakhs का है, MP में 10,000 लगता है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग अलग है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ये पता कर सकते हैं कि ग्रिड कनेक्टिविटी का आपके एरिया के अंदर कितना कॉस्ट लगने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो होता है सोलर पैनल। ये छोटा काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट लगेगा इसके अंदर। अगर आप 1 मेगावाट के पैनल्स अगर परचेस करते हैं, 2 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट उसमें होता है अगर आप 1 मेगावाट के पैनल्स खरीद रहे हैं। बाकी वो उसकी ड्यूरेबिलिटी पे, वारंटी पे और क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पैनल्स परचेस कर रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं ट्रांसमिशन की, आपका जो सब स्टेशन है और आपका खुद का जो फार्मिंग हाउस है वहां का ट्रांसमिशन, 1 किलोमीटर का जो लगभग इन्वेस्टमेंट होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वो लगभग 18 लाख से लेकर के 20 लाख तक होता है। इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि अपना जो लैंड आप लेने वाले हैं उस सब स्टेशन के अगर आप पास में लेंगे तो आपका फायदा इसमें हो सकता है। तो लगभग अगर 1 किलोमीटर की मैं बात करूं तो उसका इन्वेस्टमेंट 18 से 20 लाख होता है आपकी ट्रांसमिशन लाइन का। तो चूज योर लोकेशन वाइसली। नेक्स्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो EPC पे होता है। EPC का मतलब होता है EPC में सारी चीजें इंक्लूड होती है, आपका स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है, आपकी मेंटेनेंस इंक्लूड होती है, बैटरीज, इन्वर्टर, इंस्टॉलाइजेशन, ये सारी चीजें EPC में आपकी इंक्लूड होती है। तो EPC का मतलब होता है ये सारी ओवरऑल चीजें हैं इसका एक्सपेंस। तो लगभग ये आपका 1 करोड़ का होता है। बच्चों का काम नहीं है फार्मिंग करना, सोलर फार्मिंग के लिए पैसा आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी आप किसको सेल करेंगे और इसमें क्या क्या आपके बेनिफिट्स किस किस तरीके से होंगे, तो मैं बात करती हूँ कि आप लोकल लेवल पे तो इसको दे ही सकते हैं, जैसे होटल, स्कूल्स, आपके लोकल घरों में आप इस चीज़ को दे सकते हैं। बट उसके साथ अगर आप गवर्नमेंट को ये सेल करते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसका प्रचार कर रही है, इसको प्रमोट कर रही है, काफ़ी सारी स्कीम्स दे रही है। और अभी राइट नाउ जो एक स्कीम चल रही कुसुम योजना के अंतर्गत आपको 70% तक का लोन मिल सकता है, यानी कि लोन आपको गवर्नमेंट दे रही है, 30% आपको अरेंज करना है और अपना सोलर फार्मिंग आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट को सेल करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी, तो गवर्नमेंट आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है 25 ईयर्स का, यानी कि शुरू करने से पहले फिक्स हो गया है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ देनी है। 25 ईयर्स तक गवर्नमेंट आपसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करती है और उसका एक अमाउंट फिक्स करती है जो 25 ईयर्स तक गवर्नमेंट आपको देती है। तो अब हम जानेंगे कि सोलर फार्मिंग के बिजनेस से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बैड सिनेरियो एंड गुड सिनेरियो के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बैड सिनेरियो के बारे में।
पर यूनिट जो हमारा कॉस्ट हम अज्यूम करते हैं वो 3.5 रुपये हम अज्यूम करते हैं, और साल भर के अंदर जो हम यूनिट जनरेट करते हैं वो लगभग 20 लाख जनरेट करते हैं। तो आपका जो एनुअल रिसीविंग होता है वो लगभग 70 लाख का होता है। प्रोजेक्ट का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 40 लाख का होता है। प्रोजेक्ट का जो वेरिएबल है वो लगभग 18 लाख का होगा। कॉस्ट का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मिला करके 58 लाख रुपीज़ होता है, यानी कि जो आपका एनुअल एबिटा होता है वो लगभग 12 लाख का होता है। तो ये मैंने आपको बताया है बैड सिनेरियो। अब हम बात करेंगे गुड सिनेरियो के बारे में। गुड सिनेरियो के अंदर जो प्रति यूनिट हम अज्यूम कर रहे हैं वो लगभग 6.5 रुपये कर रहे हैं, और ईयरली जितनी भी यूनिट डेवलप होगी वो लगभग 20 लाख की होगी, यानी कि जो एनुअल रिसीविंग होती है वो 1.30 करोड़ रुपए की है। प्रोजेक्ट का जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगा, यानी कि 40 लाख, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 18 लाख रहेगा, यानी कि जो कॉस्ट ऑपरेटिंग है वो लगभग 58 लाख रुपीज़ पर एनम आएगी। हम एनुअल एबिटा की इसमें बात करते हैं तो वो निकलता है 72 लाख, यानी कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो ब्रेक इवन है वो किस किस तरीके से बैड में और गुड सिनेरियो में दोनों में आएगा। तो होपफुली आपको मेरा ये आइडिया, ये फ्यूचर प्लान पसंद आया होगा, और आशा करती हूँ कि मैं समझाने में कामयाब रही आपको। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस और नए बिजनेस ऑप्शंस आप चाहते हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।